और अब क्या करने लगे हैं हम, अब हम देखने लगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल वेरिफिकेशन करते हैं कि दोहराजला ठीक है अभी या नहीं, के किसकी मदद से, ग्राफ्स की मदद से। अब हम तीन ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे। पहला वो ग्राफ कहता है कि आपने क्या करना है कि वो कहता है कि एक गैस लें, ठीक है, पार्टिकल अमाउंट ऑफ गैस लें, फिर क्या करें उसको एक सिलेंडर में बंद करें, फिर उसका क्या करें प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करें, ठीक है, और फिर उसका ग्राफ ड्रा करें, प्रेशर या वॉल्यूम का चेंज करके क्या कर ड्रा करें, ग्राफ ड्रा करें। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, वी पी इज इक्वल टू के, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते, थोड़ा साइड पे, वी पी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। वो कहता है कि पी वॉल्यूम और प्रेशर को बढ़ा चढ़ा के या इसको बढ़ा कर या इसको कम कर कर देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। वो कहता है कि हमने क्या करना है, प्रेशर को क्या लेना है, वाई एक्स एक्सिस पे, प्रेशर क्या आएगा एक्स एक्सिस पे, और वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास वाई एक्सिस पे। तो क्या करना है, अब हमने इसके इनके दरमियान एक ग्राफ ड्रा करना है। वो कहता है कि अगर हम एक कौन इसका टेम्परेचर क्या होगा कि जब हम इसको ड्रा करेंगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या करेंगे एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने क्या लिया, कंडीशन क्या है हमारे पास, क्या है एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने क्या लिया, एक अमाउंट ऑफ गैस ली है, खास पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस ली है, फिर उसको फिर सिलेंडर में रखा है, पिस्टन वाले सिलेंडर में रखा है, ठीक है, तो फिर उसका वॉल्यूम बढ़ाया है या प्रेशर बढ़ाया है। तो अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपस में इन्वर्सरी रिलेशन है, ठीक है, इनका इन्वर्सरी रिलेशन है। तो वो क्या कहता है कि एक हमारे पास क्या आएगी, एक कर्व आएगी इस तरह करके, क्या आएगी एक कर्व आएगी, ठीक है, कर्व आएगी तो वो क्या होगा हमारे पास, आइसोथर्म होगी, उसको क्या कहेंगे हम आइसोथर्म। आइसोथर्म का क्या मतलब होगा, आइसोथर्म का ये मतलब होगा कि आइसोथर्म कहेंगे इसको हम, क्या कहेंगे आइसो, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखते हैं, आइसोथर्म कहेंगे इसको, क्या लिखेंगे आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होगा हमारे पास, सेम हीट, आइसो मतलब सेम और थर्म का मतलब क्या होगा हीट, क्या होगा हीट। ये हमने क्या किसके लिए ड्रा किया, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ठीक है, और क्या करें टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद फिर उसको क्या करें कांस्टेंट करें, क्या करें कांस्टेंट करें। अगर हमने क्या किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है, ये हमने किस पे बनाया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये हमारी कर्व कहाँ किस टेम्परेचर पे आई थी, हमारी ये कर्व आई थी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर हम देखते हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर ऑफ गैस बढ़ाया कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के बाद इसका टेम्परेचर कहाँ, अगर हम कर्व ड्रा करते हैं तो कर्व ड्रा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक और कर्व आएगी इस तरह, ठीक है, एक और कर्व आएगी, वो भी आइसोथर्म होगी, ठीक है, वो आइसोथर्म होगी लेकिन कितने टेम्परेचर के लिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, कितने टेम्परेचर के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ये हमारे पास क्या आ जाएगी कर्व आ जाएगी, कर्व आएगी क्या आएगी बच्चों, कर्व आएगी, ठीक है, ये कितने टेम्परेचर के लिए आई हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा आप सोच रहे होंगे कि हमने ये दो कर्व्स बनाई हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को हमने क्या रखा है, प्रेशर को रखा है वाई एक्स एक्सिस पे और क्या रखा है वाई को, वी को वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो इनके बनाने का हमारा रीज़न क्या है, रीज़न यूँ है कि वो हमने पहले टेम्परेचर क्या रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कांस्टेंट टेम्परेचर रख के क्या किया पहले एक ग्राफ ड्रा किया, ठीक है, तो क्या आया हमारे पास एक आइसोथर्म आई, फिर हमने एक टेम्परेचर रखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर आइसोथर्म ड्रा की तो हमारे पास एक और थर्म आ गई, लेकिन वो क्या है दोनों एक्सिस से थोड़ी सी साइड पे आगे है, उस आइसोथर्म से थोड़ी सी आगे है, तो ये क्या बता रही है हमें कि ये इसकी रीज़न क्या है, इस ग्राफ की रीज़न, ठीक है, इस ग्राफ की रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया पी वी का जो था वो कॉन्स्टेंट रहने के लिए उसने क्या किया, क्या आइसोथर्म आगे आगे, ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि हमें ये पता लगा यहाँ से कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा कर क्या करें आइसोथर्म फिर ड्रा करें तो क्या होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमें ये पता लग गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जी हमें वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम का बढ़ना और प्रेशर का कम होना क्या बता रहा है हमें, वाल्वजला की तस्दीक कर रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं
एक और ग्राफ ड्रा करते हैं, वो ग्राफ के उनके दरमियान होगा, वो दरमियान होगा भाई, वो होगा वन ओवर वी। वन ओवर वी मतलब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, क्या होगा, इनवर्स, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब कि वॉल्यूम का उल्ट लेंगे हम, ठीक है, वॉल्यूम का क्या लेंगे, उल्ट लेंगे एक्स एक्सिस पे, और प्रेशर को कहाँ पे लेंगे हम, वाई एक्सिस पे। प्रेशर कहाँ आएगा हमारे पास, y एक्सिस पे। तो वो क्या कहता है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से निकलेगी इस तरह आएगी, ठीक है, ये आएगी क्या, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आ गई तो ये क्या हमें बता रही है, ठीक है, तो इसके बनाने का हमारे पास क्या है, नज़रिया, ठीक है। वो कहता है कि ये हमें ये बता रही है कि अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या बता रही है कि प्रेशर क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, के प्रेशर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में आ गया है किसके, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के उल्ट, ठीक है। वो कहता है कि एट ओरिजिन, यहाँ पे जब ये जीरो पे थी, यहाँ पे जीरो था, वन टू थ्री का इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है, फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, इस तरह वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, इस तरह वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। लेकिन वो जब जीरो पे था, प्रेशर एट ओरिजिन था, तो वो क्या बता रहा था कि प्रेशर अगर जीरो के करीब है तो उसका इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इतना है कि वो भी जीरो के करीब है। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हमें अब कैसे समझ आएगी आपको, कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वन ओवर वन थाउजेंड, ठीक है, और इसको वन ओवर वन थाउजेंड करें तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन, जिसको हम तकरीबन ज़ीरो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो। कि आप समझ लें कि हमारे पास क्या था, वॉल्यूम था हमारे पास वन थाउजेंड, ठीक है, तो क्या हो गया, वन ओवर वी क्या होगा, वॉल्यूम का इन्वर्स क्या लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम का इन्वर्स ये आ गया, जो हमें ये बता रहा है कि हमें ये ज़ीरो के करीब है, जब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो होगा, प्रेशर नियर अबाउट जीरो होगा, तो हमारे पास इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू इतनी ज़्यादा है उस वक्त कि जब प्रेशर मिनिमम या जीरो के बराबर है प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, जिसका इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, वो कहता है कि अगर हम यहाँ पे एक और ड्रा करें, एक हम टेम्परेचर बढ़ा दें, इसका टेम्परेचर क्या था हमारे पास, पहले टी था, उसको टी वन कर दें, और अब हम अगर टेम्परेचर बढ़ा कर एक और लाइन ड्रा करें, ग्राफ बनाएं, तो वो क्या आएगा हमारे पास, टी टू की टेम्परेचर पे आएगा, टेम्परेचर बढ़ा कर अगर हम करें तो वो लाइन किधर शिफ्ट हो जाएगी, प्रेशर एक्सेस की तरफ, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सेकंड ग्राफ। अब हम थर्ड ग्राफ पे चलते हैं। थर्ड ग्राफ क्या कहता है, वो कहता है कि हमने क्या करना है, प्रेशर लेना है एक्स एक्सिस पे, प्रेशर क्या लेना है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ पी वी के, ये हमें के की वैल्यू बताएगा, ठीक है। वो कहता है कि अगर हम इसको ड्रा करें तो क्या आएगा हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो शो करेगी कि के क्या है हमारे पास, के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, के क्या शो करेगा, ये ग्राफ क्या शो करेगा हमारे पास कि के क्या है, कांस्टेंट। वो अगर कहता है कि एट हाई टेम कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ा कर भी देखें तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो बढ़ेगा, पीवी भी बढ़ जाएगी, पीवी इंक्रीज कर जाएगी, पीवी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी पीवी, क्या वैल्यू हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, एट सेम प्रेशर क्या रहेगा हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगी कि पीवी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कि हम टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ा लें, प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा लें, या वॉल्यूम जितना मर्जी कम कर लें, या वॉल्यूम जितना मर्जी बढ़ा लें, या प्रेशर जितना मर्जी कम कर लें, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या रहेगा हमारे पास, टेम्परेचर क्या है, हमने कि एक टेम्परेचर हमने किया ना जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमने ये ग्राफ बनाया, फिर हमने उसको टेम्परेचर को बढ़ा कर क्या करना है, उस टेम्परेचर को बढ़ा कर क्या करना है, 25 कर लेना है, तो फिर उस 25 पे ही रखना है, ये नहीं कहना कि कभी 24 हो गया, कभी 26 हो गया, कभी 27 हो गया, 25 पे रख के ग्राफ बनाना है, फिर उन दोनों को कंपेयर करके तो क्या आएगा हमारे पास, ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन टू द एक्स एक्सिस, जो हमें क्या करेगा, बताएगा कि ये कांस्टेंट के क्या है, के इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो आखिर में ये भी बताता है कि बॉयल्स लॉ किन पे, किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन गैसेस पे डिपेंड करता है, किन गैसेस, कौन सी गैसेस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती हैं। वो कहता है कि बॉयल्स लॉ को सिर्फ गैसेस, आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं, कौन सी, आइडियल गैसेस ही
फॉलो करती हैं, कौन सी आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज क्या कौन सी होती हैं, आइडियल गैसेज होती हैं इंटर मालिकुलर फोर्सेज जिनमें ना हो, जिनमें इंटर मालिकुलर फोर्सेज ना हो, इंटर मालिकुलर फोर्सेज ना हो, फोर्सेज ना हो, ठीक है, इंटर मालिकुलर फोर्सेज ना हो, और क्या हो इनमें एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है, खुद का वॉल्यूम है, ठीक है, कि जितनी गैस को जगह चाहिए, इज नेग्लिजिबल, क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल, कि उसको हम नज़रअंदाज कर सकें, एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल के वॉल्यूम के किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम से हम उसको क्या कर सकें, कंपेयर करें, और उसके वॉल्यूम को क्या कर सकें, हम गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर सकें। हमारे पास दो आइडियल गैसेस का क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होनी चाहिए उनमें, और एक्चुअल वॉल्यूम का कि गैस मॉलिक्यूल्स को कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, वो इतना चाहिए, ठीक है, अगर हम उसको सिलेंडर को इतना कर दें, उसका वॉल्यूम क्या हो, सिलेंडर का बहुत बड़ा कर दें, ठीक है, बड़ा करने की वजह से क्या आएगा हमारे पास, बड़ा करने की वजह से क्या होगा, वो गैस फैल जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।